नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है MD2 Reader Publication। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हरियाणा के बेरोजगार युवाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। स्पेशली जो पुलिस की नौकरी के सपने देखते हैं, उनका इंतज़ार करते रहते हैं, चाहे वो हरियाणा पुलिस की बात करें, चाहे वो चंडीगढ़ पुलिस की बात करें, चाहे फिर आप दिल्ली पुलिस की बात करें। दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने एक बार फिर से सुनहरा मौका हरियाणा वासियों के लिए आप कह सकते हैं दिया है, क्योंकि दिल्ली पुलिस में सबसे ज़्यादा हरियाणा के युवा लगते हैं, मेहनत भी बहुत ज़्यादा करते हैं। दोस्तों, अब दिल्ली पुलिस के अंदर जो हेड कॉन्स्टेबल की जो है, सहायक वायरलेस ऑपरेटर की, टेली प्रिंटर ऑपरेटर की वैकेंसी आ गई, सीधी भर्ती आई है दोस्तों 2019। इसमें आपकी ऑनलाइन अप्लाई करने की जो डेट है वो 28/12 रहेगी, और लास्ट डेट जो आपकी ऑनलाइन अप्लाई करने की रहेगी दोस्तों वो 27 जनवरी रहेगी, और शीघ्र अतिशीघ्र इसमें दोस्तों रिटर्न एग्जाम भी होगा। आप अपनी तैयारी आज से ही शुरू कर दें। दोस्तों, पूरी खबर क्या है इस वीडियो में डिटेल से आपको सारी चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ। इसमें आपको फार्म की अप्लाई से लेकर एज क्या है, इसमें आपकी हाइट कितनी मांगी गई है, आप कैसे फार्म को अप्लाई कर सकते हैं, सारी चीज़ें, इसमें वैकेंसीज कितनी है, डिटेल से आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, जो भाई चैनल पर नए आए हैं, रेगुलर अपडेट पाना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी, गवर्नमेंट अपडेट वैकेंसीज से जुड़ी हुई, दोस्तों वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपको न सिर्फ वैकेंसी से जुड़ी हुई बल्कि अपकमिंग वैकेंसी से जुड़ी हुई अपडेट आपको देता रहता हूँ। दिल्ली पुलिस में प्रधान सिपाही, सहायक वायरलेस ऑपरेटर और टेली प्रिंटर ऑपरेटर के पद के लिए सीधी भर्ती परीक्षा 2019। ऑनलाइन पंजीकरण खुलने की तिथि 28 दिसंबर 2019, ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि 27 जनवरी 2020। दिल्ली पुलिस में वेतन मैट्रिक लेवल 4 में 25,500 से लेकर 81,100 तथा समय समय पर केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को देय और लागू भत्तों के साथ अस्थायी सहायक वायरलेस ऑपरेटर, टेली प्रिंटर ऑपरेटर, प्रधान सचिव समूह गय पद के लिए निम्नलिखित रिक्तियों भरने हेतु पुरुष और महिला भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रण किए जाते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो पुरुष की वैकेंसी हैं, जनरल के लिए ओपन 134 है, विभागीय 15 है, ईडब्ल्यूएस के लिए ओपन 40 हैं, विभागीय 4 हैं, उसके बाद एससी 93 है जी, एससी के बाद आप कह सकते हैं इसमें एससी एसटी हैं और आपके एक्स सर्विसमैन हैं, तो कुल मिलाकर आपकी जो जनरल ओपन की हैं, माफ़ कीजिए, तो टोटल आपकी जो है इसमें जनरल की जो वैकेंसी है मेल फीमेल की मिलाकर 223 बनती हैं। दोस्तों, ईडब्ल्यूएस की 65 बनती हैं, एससी की 153 बनती है, एसटी की 126, एक्स सर्विसमैन की 82, तो कुल मिलाकर दोस्तों इसमें 649 वैकेंसीज हैं। तो बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या आपको एज की जो लिमिट है वो कितनी है। तो दोस्तों, इसमें 1/7/2019 को, कब 1/7/2019 को अनारक्षित यानी कि जनरल और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए 18 से 27 वर्ष एज मांगी गई है, ठीक है। एससी के लिए इसमें दोस्तों, माफ़ कीजिए, ओबीसी के लिए इसमें 30 वर्ष एज मांगी गई है, और इसमें दोस्तों आपका एससी एसटी के लिए 32 वर्ष जो है एज इसमें मांगी गई है। तो दोस्तों, इसमें फिर एक्स सर्विस मैन है, खिलाड़ी वगैरह हैं, विधवा, तलाकशुदा, डिपार्टमेंटल, उनके लिए यहाँ पर 40 वर्ष तक की एज रिलैक्सेशन दी गई है। शैक्षणिक योग्यता दोस्तों, इसमें मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 आपको विज्ञान एवं गणित दोनों विषयों में, तो प्लस टू होनी चाहिए विज्ञान एवं गणित, साइंस और आपके साथ मैथमेटिक्स दोनों चीज़ें एक साथ होनी चाहिए तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। व्यावसायिक अपेक्षा इसमें आपके जो टाइपिंग स्किल का भी इसमें जो है आपका सारी चीज़ें देखी जाएंगी। और दोस्तों, रही बात फिजिकल की, अभी तक पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, एक दो दिन में आ जाएगा, फिर कंप्लीट वीडियो आपको बनाऊंगा, लेकिन फिर भी हाइट बता देता हूँ, 165 सेंटीमीटर इसमें दोस्तों हाइट मांगी गई है जर्नल के लिए। फिजिकल क्या रहेगा, पहले फिजिकल होगा या पहले रिटर्न एग्जाम होगा, पूरा सिलेक्शन प्रोसेस के लिए दोस्तों मैं वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा। तो आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग योर ऑन यूट्यूब चैनल MD2 Reader Publication। थैंक यू वेरी मच।